आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बायबिट एक्सचेंज पे किसी भी कॉइन को आप बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं, अपने यूएसडीटी से, अपने बिटकॉइन से, बिल्कुल ही आसान तरीके से। कॉइन का पेयर आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, कहाँ पे जाके आपको बाय करना है और कैसे आपको सेल करना है, ये सारी चीजें आप इंस्टेंटली कैसे बाय कर सकते हैं, इंस्टेंटली सेल कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है, आप देख रहे हैं बेस्टर टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूएसडीटी परचेस किए थे P2P से, अब यूएसडीटी हमारे बायबिट के अकाउंट में आ गए। अब उन्हीं यूएसडीटी को यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉइन को बाय कैसे कर सकते हैं और सेल कैसे कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो यूएसडीटी हैं, जो आपने प्रॉफिट में कमाए हैं या जितने भी यूएसडीटी आपके पास बायबिट में पड़े हुए हैं, तो उनको आप विदड्रॉ कैसे कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, जेस कैश में, पेटीएम में, गूगल पे पे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैंने अपने पास बायबिट की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। बायबिट की एप्लीकेशन ओपन जैसे ही करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर अभी इस इंटरफेस को देखें तो मेरे पास ये पूरा ब्लैक आ रहा है, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो थीम सिलेक्ट होता है वो डार्क सिलेक्टेड होता है। अगर इसको आप लाइट मोड पे करना चाहते हैं तो इस प्रोफाइल के बटन को प्रेस करें, यहाँ पे सेटिंग पे आ जाएं। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखिए कलर थीम मेरा बाय डिफॉल्ट डार्क मोड है, इसको प्रेस करके आप लाइट मोड कर दे, या तो आप डिफॉल्ट थीम यहाँ पे ऑन कर दे, जो आपके मोबाइल का थीम होगा वो ही खुद ब खुद आ जाएगा। मैंने उसको बाय डिफॉल्ट पे भी कर देना है, ठीक है। अब ये लाइट मोड आ गया, ये थोड़ा ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहा है। अब किसी भी क्वाइन को बाय करने के लिए सबसे पहले आपके पास होने चाहिए यूएसडीटी। अगर यहाँ पे एसेट पे आ जाए तो ये देखें 5.13 यूएसडीटी मेरे पास पड़े हुए हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बाय किए थे B2P के थ्रू फंडिंग में, ये मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर फंडिंग में जब तक आपके पास होंगे आप इससे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो ये हमें मूव करने होंगे ट्रेडिंग में। तो यूएसडीटी ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे देखें बटन बना हुआ है ट्रांसफर का, ट्रांसफर के बटन को प्रेस करें, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कॉइन आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा, मुझे यूएसडीटी करने हैं, मैक्सिमम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और कंफर्म कर लें। तो यूएसडीटी हमारे ट्रांसफर हो गए ट्रेडिंग अकाउंट में। अब हम बाय कर सकते हैं क्रिप्टो कॉइन। कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाय करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा मार्केट में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ स्पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ यूएसडीटी। अब यहाँ पे वो सारे कॉइन आ जाएंगे जो यूएसडीटी से आप बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास USDC कॉइन है तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा, ये सारे पेयर आ गए आपके पास USDC के। अगर आपके पास BTC है तो ये सारे BTC के पेयर आ गए। अगर इथीरियम है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर यूजुअली जो हम बाय करते हैं वो हम USDT से बाय करते हैं। तो मैंने USDT कर दिया और यहाँ पे आपको सारे कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा कॉइन है जो आप बाय करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस बटन से, जैसे कि मैं यहाँ पे बाय करना चाह रहा हूँ डोज कॉइन। तो यहाँ पे देखें डोज कॉइन आ गया। अब डोज कॉइन का पेयर कौन सा है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डोज स्लैश यूएसडीटी और नीचे लिखा हुआ है स्पोर्ट। तो हमें वो कॉइन बाय करना है जिसके नीचे स्पोर्ट लिखा हुआ हो, बाकी जो है फ्यूचर के हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग हम नहीं करते, तो हमें स्पोर्ट ही करना है, स्पोर्ट के थ्रू ही हमें बाय करना है। अब यहाँ पे देखें डोज यूएसडीटी है, इसी को हमें प्रेस करना है। जैसे ही आप डोज यूएसडीटी को प्रेस करेंगे तो इस तरह का आपके पास एक चार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ट है डोज यूएसडीटी का, इसमें बहुत सारी कैंडल्स होती हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 15 मिनट सिलेक्टेड है, तो ये हर एक कैंडल 15 मिनट की है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 मिनट में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, 15 मिनट पहले क्या हुआ था कॉइन में, ये सारी चीज़ें आ गई। अगर यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, 1 आवर करेंगे, तो ये एक एक घंटे की यहाँ पे कैंडल आ गई। अगर 4 घंटे की करेंगे तो ये 4 घंटे की कैंडल आ गई। अगर 1 दिन की करेंगे तो ये 1 दिन की कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमें करना है इसको बाय, तो बाय करने के लिए नीचे देखें लिखा हुआ है बाय, इसको प्रेस करें, उसके बाद आ जाएगा आपके पास इस तरह का चार्ट, ठीक है। इस पे अगर देखेंगे राइट साइड पे जो आपके पास ये चार्ट आ रहे हैं, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का, इस पे बेसिकली ये हो रहा है कि लाइव जो इतनी भी परचेजिंग और सेलिंग हो रही है वो ये चार्ट अपडेट हो रहा है मुसलसल। और अगर लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें अवेलेबल हमारे USDT कितने हैं वो दिखा रहा है, 5.1 USDT हमारे पास अवेलेबल है। अगर उसके ऊपर देखें यहाँ पे बाय सिलेक्टेड है, यहाँ पे अगर सेल आपको करना होगा तो सेल को प्रेस करना होगा, अगर बाय करना होगा तो बाय को प्रेस करना होगा। और यहाँ पे उसके नीचे आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्टेड है लिमिट। लिमिट पे बेसिकली ये होता है कि कोई भी प्राइस आप सेट कर सकते हैं कॉइन की, और उस प्राइस में ये खुद ब खुद बाय हो जाएगा, आपका ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा और उसी प्राइस में यहाँ पे बाय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डोज कॉइन की अभी जो प्राइस चल रही है, मैं चाह रहा हूँ जब ये थोड़ा सा कम हो, 1.0.15000 पे आए, ठीक है, तो तब मेरा यह डोज कॉइन बाय हो जाए,
कितना बाय हो जाए, यहाँ पे आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई जितने भी यूएसडीटी मेरे पास होंगे तो उन सब का डोज कॉइन बाय हो जाए, या जो भी आपने कॉइन सिलेक्ट किया आपका वो बाय हो जाए जब इस कॉइन की प्राइस आएगी 0.1500। तो लिमिट भी यही होता है कि आप जो प्राइस सेट करेंगे उसी प्राइस में ये बाय हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं इंस्टेंटली बाय हो जाए, जैसे ही आप उस बाय के बटन को प्रेस करें आपका कॉइन बाय हो जाए, सिंपली आपको लिमिट के बटन को प्रेस करना होगा। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है मार्केट, मार्केट को प्रेस करें और यहाँ पे आप वैल्यू दे देंगे आप कितने यूएसडीटी का डोज कॉइन बाय करना चाह रहे हैं। मैं वहाँ पे बोलना होगा जितने भी मेरे पास यूएसडीटी है, 5 यूएसडीटी है मेरे पास, 5 यूएसडीटी का यहाँ पे डोज कॉइन बाय हो जाए। यहाँ पे क्लिक करना है आपको बाय डोज पे, उसके बाद आपके पास ये दोबारा एक रिसिप्ट आ गई, ऑर्डर ये है, ऑर्डर वैल्यू ये है। तो ये मैंने बाय के बटन को प्रेस कर लिया और हमारे डोज कॉइन यहाँ पे बाय हो गए। बाय को देखने के लिए आप यहाँ पे एसेट पे आ जाए, एसेट पे आने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग को प्रेस करें और जैसे ही ट्रेडिंग को प्रेस करेंगे कि ये सारे आपके पास एसेट आ जाएंगे। ठीक है, अब ये पॉपअप आ गया, इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे देखें डोज हमारे पास 5.12 यूएसडीटी आ गया, इसको ओपन करके भी आप देख सकते हैं 27 डोज हमारे पास आ गए जो अभी अभी हमने बाय किए हैं। अब किसी कॉइन को अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ दिन इसको होल्ड कर लिया, अब आप प्रॉफिट पे जा रहे हैं, इसको सेल करना चाह रहे हैं, तो सेम प्रोसीजर आपको करना है, डोज कॉइन को सर्च करना है। अब यहाँ से भी डोज कॉइन पे आ सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड में पेयर आ रहा है डोज स्लैश यूएसडीटी, यहाँ पे इसको प्रेस करें और यहाँ पे अब आपको सिलेक्ट करना होगा सेल। सेल भी आ गए, यहाँ पे आपको मार्केट ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका लिमिट सिलेक्टेड है तो उसको मार्केट करना होगा ताकि वो उसी टाइम सेल हो जाए। अगर लिमिट आप करेंगे तो यहाँ पे आप ऑर्डर लगा सकते हैं कि आप कौन सी प्राइस पे इसको सेल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं अगर ये कॉइन 0.25 पे आ जाए, ठीक है, तो ये आपका सेल हो जाए ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाए। तो यहाँ पे आप सिंपली इस तरह का ऑर्डर भी लगा सकते हैं और हमें तकरीबन $1.5 का यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। इसको करना होगा सेल यूएसडीटी और एक ऑर्डर आपका पेंडिंग का यहाँ पे लग जाएगा। ये देखें आपका सेल का ऑर्डर लगा है जो कि कंप्लीट होगा जब कॉइन की प्राइस आएगी 0.2500 पे। अगर आप इसको अगर इंस्टेंटली सेल करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपको ये करना होगा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, मार्केट सिलेक्ट करना होगा जैसे हमने बाय में किया था वैसे ही इसमें होगा कि सारे कॉइन यहाँ पे आ गए, और प्रेस करना होगा आपको सेल डोज पे। अगर आप ये पॉपअप बार बार नहीं चाह रहे तो यहाँ पे आप कर दें डू नॉट प्रॉम्प्ट कंफर्मेशन विंडो एनी मोर, यहाँ पे टिक करके इसको सेल कर दें। तो ये देखें हमारे डोज कॉइन यहाँ पे सेल हो गए इंस्टेंटली। अगर यहाँ पे एसेट पे आ जाए, वापस ट्रेडिंग पे आ जाए, तो ये देखें हमारे यूएसडीटी अकाउंट में आ गए, 5.14 यूएसडीटी हमारे अकाउंट में आ गए। तो इस तरह आप किसी भी कॉइन को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जहां पे जितना भी प्रॉफिट आपको हो रहा है वो यूएसडीटी आप कैसे सेल कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में या मोबाइल वॉलेट में कैसे ला सकते हैं बिल्कुल सेफली और आसान तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।